nitrous acid as an oxidizing and reducing agent. Last time हमने nitrous acid का topic start किया था, हमने nitrous acid जो है देखा था कि it is an oxy acid of nitrogen, जिसमें nitrogen के एक तरफ double bonded oxygen होता है और एक तरफ OH group attached होता है. इस तरह के compound को हम HNO2 या nitrous acid बोलते हैं. Nitrous acid की हमने preparation की techniques देखी थी last time और इसके अलावा कुछ chemical properties discuss की थी, कुछ chemical reactions देखे थे. आज हमारा जो topic है that is related to oxidizing and reducing properties of nitrous acid. Again it is a very intuitive topic. आप इसमें redox के जो आपके concept हैं redox reactions के वही वाले हम लोग use करेंगे जो इससे पहले भी मैं काफी दफा repeat कर चुका हूँ इसी chapter के अंदर. First of all let's see कि ये oxidize किस तरीके से करता है. As an oxidizing agent nitrous acid कैसे behave करता है oxidizing agent के तौर पे. अब जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसमें आपको इस बात का पता है कि जब कोई चीज किसी और को oxidize करती है तो उसको oxidizing agent कहते हैं. ठीक है, अगर कोई चीज A और B react करके C और D बना रहे हैं तो A हो सकता है oxidize होके C बन रहा हो और B reduce होके D बन रहा हो. ठीक है, लेकिन अब इसमें चूंकि B खुद reduce हुआ है और A oxidize हुआ है तो हम ये बोलेंगे कि B ने A को oxidize कर दिया है और वो खुद reduce हो गया. ठीक है, इसी तरह हम ये बोलेंगे कि A ने B को reduce कर दिया है लेकिन A खुद oxidize हो गया. So basically जो oxidize करते हैं दूसरों को वो खुद हमेशा reduce हो जाते हैं. So आज जो हमारा पहला जो topic है that is related to oxidizing agent properties. तो जब nitrous acid किसी और को ऑक्सीडाइज करता है तो ये सेल्फ रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूसेस इटसेल्फ. और रिड्यूस होके ये क्या बनता होगा आपके ख्याल में? नाइट्रस एसिड में यू नो कि देयर इज नाइट्राइट आयन इन्वॉल्वड HNO2 में H+ एंड NO2- 1 एंड यहां से नाइट्रोजन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालो तो इट कम्स आउट टू बी +3. अब +3 से مزید कम होके क्या बन सकता है? हाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि +2 चार्ज हो जाए या फिर +1 चार्ज हो जाए. +2 अगर चार्ज हो तो वो जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा. ठीक है, और अगर +1 चार्ज हो जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्राइट आयन जो है. ठीक है, तो नॉर्मली जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शंस होते हैं उनमें नाइट्रस एसिड प्रेफर करता है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाए. ठीक है, तो एक प्रोडक्ट आपने नाइट्रिक ऑक्साइड लाजमी बनाना है जितने भी आगे हमने रिएक्शंस देखने हैं. हम लोग तीन किस्म के भी रिएक्शंस देखने लगे हैं HNO2 के जिसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है. एक तो हम इसको देखेंगे कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करे तो क्या होता है. ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग एसिड. ठीक है, इसके अलावा अगर SO2 के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा. एंड तीसरा अगर SnCl2 which is stannous chloride या basically this is stannous is 10 और Sn इस पे +2 oxidation state show कर रहा है. आपने chapter number 3 के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि lead और tin जो है ये group 4 के वाहिद दो elements हैं जो +2 और +4 दोनों oxidation state show करते हैं because of their inert pair effect की वजह से. अगर तो ये +2 oxidation state show करें तो हम इसको plumbus या stannous बोलते हैं और अगर ये +3 show करें तो प्लंबिक या स्टैनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. सॉरी +4 शो करें तो प्लंबिक या स्टैनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं. सो SnCl2 इज बेसिकली स्टैनस क्लोराइड एंड देन वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वी हैव हाइड्रोजन आयोडाइड. इन तीन का हमने रिएक्शन देखना है विद HNO2 क्या होता है. लेट्स मूव टू द फर्स्ट रिएक्शन जिसमें HI रिएक्ट करता है विद HNO2. क्या बनना चाहिए आपके ख्याल में? लेट्स से आपको नहीं पता कि क्या बनना चाहिए. Let's come back to redox process. Redox का process तो आपको आता है ना. Redox के process में आपने reduction और oxidation देखनी होती है और definitely अभी आप oxidation reaction पढ़ रहे हो तो HNO2 जो है वो खुद reduce हो जाएगा. और HNO2 में क्या चीज होती है? NO2-1 charge होता है ना. NO2 nitrite ions होते हैं, H+1 nitrite. तो nitrite जो है ये change हो जाएगा NO के अंदर. अभी ऊपर मैंने आपको ये बात समझाई थी ना, ये देखो कि reduces itself और जब खुद reduce होगा तो
NO2 माइनस वन को NO में चेंज होना पड़ेगा या N2O के अंदर. तो सेल्फ रिडक्शन में नाइट्राइट आयन प्रेफर करता है कि वो NO में चेंज हो या नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो. तो ये आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है कि रिडक्शन हुआ, नहीं समझ आ रहा. अच्छा देखो, यहाँ पे NO2 के ऊपर माइनस वन चार्ज है, एक नाइट्रोजन का चार्ज आप एक्स कर लो, दो ऑक्सीजन का माइनस फोर हो गया और ये टोटल चार्ज इसका माइनस वन है. तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, प्लस थ्री आ गई. यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू निकालो राइट साइड पे, तो एक्स नाइट्रोजन का चार्ज कर लो, ऑक्सीजन का माइनस टू होता है, इज इक्वल टू जीरो. तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस टू. चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होने को क्या कहते हैं, चार्ज रिड्यूस हो रहा है, बेसिकली दिस इज रिडक्शन. तो ये आपके पास रिडक्शन रिएक्शन हो गया. रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं, शाबाश ऐड हो रहे होते हैं. और चार्ज कितना कम हुआ है, एक दफा चार्ज कम हुआ है, सो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा. ठीक है, इसको अब आप यहां से रिमूव कर दो. आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऐड होके, नाइट्राइड जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो गया. नाउ लेट्स मूव टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगा वो किस चीज का होगा, एक ही तो चीज पीछे बच गई है, हाइड्रोजन आयोडाइड. और हाइड्रोजन आयोडाइड में एच को तो हटा दो ना, आयोडाइड आइन है एक्चुअली, और आयोडाइड आइन ने रिएक्शन करना है. आयोडाइड आइन बेसिकली ई आई माइनस वन को हम बोलते हैं, और आई माइनस वन जो है इसका मतलब माइनस वन चार्ज किसी चीज पे कब होता है, जब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होता है ऑलरेडी. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट कर दे तो ये आई के अंदर चेंज हो जाएगा, आई जीरो प्लस वन इलेक्ट्रॉन. ये ठीक लिखा है ना मैंने, देखो माइनस वन इसके ऊपर ऑलरेडी था और जब इसका चार्ज आपने एक बढ़ाया तो साथ एक इलेक्ट्रॉन कम भी करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. और आपको पता है कि आई नॉट जो है आयोडीन एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंट्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये आई टू की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो मैंने खुद ही इस पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर दिया. जब नीचे टू से किया तो मुझे ऊपर भी टू से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. मैं रीजन दोबारा बता देता हूं मैंने क्यों टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आयोडीन जो है इट्स अ नॉन मेटल, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो आई लिखने के बजाय मुझे आई टू लिखना चाहिए. तो जब इसको मैं दो करूंगा तो ये ओवरऑल सब कुछ दो दो हो जाएगा. यहां तक भी ठीक है, शाबाश. अब क्या मसला रह गया, मैं ऐड कर दूं दोनों को? नो, अभी हम ऐड नहीं कर सकते, अभी तो हमें ऑक्सीजन भी बैलेंस करने हैं. ऊपर देखो लेफ्ट साइड पे दो ऑक्सीजन है, राइट साइड पे भी दो, नहीं राइट साइड लेफ्ट साइड पे चार हैं, दो नहीं है, ये टू है और टू टू जर फोर हो गया. राइट साइड पे दो हैं तो राइट साइड पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर, शाबाश. और दो मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करने पड़ेंगे, उसकी वजह क्योंकि दो ऑक्सीजन चाहिए थे. लेकिन इससे एक और गड़बड़ हो गई है, इससे चार एच प्लस एक्स्ट्रा आ गए. तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे फोर एच प्लस आपके पास एक्स्ट्रा आ गए. अब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, ठीक है. अब आगे चलते हैं, एड दीज टू टुगेदर. पहले तो देखो कौन कौन सी चीजें कट रही हैं. जो चीजें कट रही हैं उनको हम काट देते हैं ब्लू कलर से. एक तो ये कट रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन्स कट रहे हैं, ये तो दो कट नहीं कटने हैं. उसके अलावा लेफ्ट साइड के ऊपर और कुछ नहीं कट रहा. लेफ्ट साइड पे दो नाइट्राइड्स हैं और चार हाइड्रोजन हैं. तो दो हाइड्रोजन दो नाइट्राइड्स के साथ मिलके दो एच और दो NO2 मिलके दो HNO2 बना देंगे, ठीक है. इसे अभी लेकिन अभी भी दो H पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा, ये एक्चुअली चार H थे ना, तो इनको आपने दो दो की फॉर्म में लिख दिया, प्लस टू एच प्लस टू एच प्लस. तो इन दो ने इनके साथ मिलके दो नाइट्रस एसिड बना दिए और इन दो ने दो I के साथ मिलके दो हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिए. यानी दो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल्स और दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं. और राइट साइड पे क्या बन रहा है, दो नाइट्रिक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स एंड एक आयोडीन. अब आप ऊपर आ जाओ जहां से हमने कहानी शुरू की थी. ये आपको तो पता ही नहीं था बनना क्या है, और आपको रिडॉक्स का प्रोसेस यूज करके ये भी पता चल गया एग्जैक्टली बनना क्या है. ना सिर्फ ये पता चल गया, आपके ये भी पता चल गया कि कितनी दफा बनना है. आपने एग्जैक्ट बैलेंसिंग भी ऑटोमेटिकली हो गई और आपको ये भी पता चल गया कि बनेगा क्या, ठीक है. सो ये जो रिडॉक्स का आप मेथड पढ़ रहे हो इसे आपको काफी सारी हेल्प हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस के अंदर. अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको मैं थोड़ा सा क्विक लेके चलूंगा. SO2 के साथ आपने रिएक्शन करवाना है, किस चीज का, HNO2 का. एंड लेट्स सी के इसमें आपके पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं.
इसमें भी यही होगा कि जो नाइट्रस एसिड है पहले तो ये खुद सॉरी नाइट्रस एसिड ने खुद तो रिड्यूस ही होना है, तो एच एन ओ टू, बल्कि एच आप नॉर्मली नहीं लिखते इस तरह साथ, आप एन ओ टू लिखते हो, नाइट्राइट जो है ये चेंज हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, ठीक है, और साथ में इसके क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार्ज प्लस थ्री से प्लस टू में, बिल्कुल जिस तरह ऊपर आपने किया था वही वाला मैकेनिज्म। अब मैं थोड़ा क्विक लेके चलूंगा इसको, साथ में आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल्कि ऑक्सीजन से पहले हम बाकी इसका लिख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें बन रही हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जो आपने लिखा है अभी, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, अब आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। सल्फर डाइऑक्साइड की जब ऑक्सीडेशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड में आप सल्फर का चार्ज निकालो क्या होता है, एस का आप एक्स कर लो, दो ऑक्सीजन का माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आ गई फोर। आपको पता है सल्फर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सल्फर या तो प्लस टू करता है या प्लस फोर करता है या प्लस सिक्स करता है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ इसकी इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑलरेडी फोर है, और आपने क्या करना है अभी इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज रिएक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी नाइट्रिक एसिड ने इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब मजीद चार से भी ज्यादा इसका चार्ज हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो डेफिनेटली छः हो जाएगा चार्ज, और छः सल्फर का जब चार्ज हो जाता है तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, सल्फर का ऑक्साइड जिसमें छः चार्ज हो सल्फर का, प्लस सिक्स ओ माइनस टू, ये जो आपका कंपाउंड होता है दैट इज बेसिकली एसओ थ्री। ये थोड़ी सी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है जब आप खुद ये प्रोसेस कर रहे होगे रिडॉक्स का, कि सल्फर ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, सल्फर ऑक्सीडाइज होके बेसिकली एसओ थ्री बना देता है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है और यहाँ पे प्लस फोर थी, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स का फर्क पड़ रहा है और दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो कि ऊपर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे दो हैं, तो ऊपर वाले को आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां तक भी ठीक हो गया। अब जो मसला रह गया वो ऑक्सीजन का रह गया, ऑक्सीजन जो है ऊपर वाले में अगर आप देखो, लेफ्ट साइड पे आपके पास चार हैं, राइट साइड पे दो हैं, यहां पे आपको टू एच टू ओ डालना पड़ेगा, लेकिन आपके पास चार हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ये लो चार हाइड्रोजन भी डाल दिए। नीचे वाले में अगर आप देखो, लेफ्ट साइड पे आपके पास दो और राइट साइड पे तीन है, तो लेफ्ट साइड पे मैं ऐसा करता हूं कि एक का फर्क है ना, तो एक एच टू ओ डाल देता हूं, लेकिन इससे क्या होगा कि राइट साइड पे एक दो दफा एच प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, नाउ वी कैन ऐड दिस टुगेदर, जो यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों कट जाएंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास चार एच प्लस पड़े हुए हैं, इनमें से दो एच प्लस जो हैं वो तो एनओ टू के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, और दो एच प्लस अभी अलग में भी पड़े हुए होंगे, सो ये जो दो एच प्लस हैं दो एनओ टू के साथ मिलकर दो एच एनओ टू बना देंगे, दो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल्स बन गए, और साथ इसके क्या होगा कि दो एच प्लस एक्स्ट्रा अभी पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे, ये तो दोनों खत्म हो गया ना, दो एच प्लस अभी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, लेकिन दो एच प्लस राइट साइड पे भी पड़े हुए हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, राइट साइड पे दो वाटर के मॉलिक्यूल, तो आप लेफ्ट से एक खत्म कर दो, राइट साइड पे सिंगल करके लिख दो, और लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, एक एसओ टू लिखा हुआ है, वो एक आप ऐड कर दो, राइट साइड की अब चीजें बच गई हैं। दो दफा नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, एक एसओ थ्री और एक एच टू ओ प्रोड्यूस होंगे, और आपको पता है कि एच टू ओ और एसओ थ्री मिलकर क्या बनाते हैं, एच टू ओ प्लस एसओ थ्री, ये मिलकर आपके पास बना देते हैं एच टू एसओ फोर, ठीक है, एच टू ओ प्लस एसओ थ्री मेक्स एच टू एसओ फोर, ये आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इससे ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में, तो एक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ओवरऑल व्हाट हैज हैपेंड कि सल्फर डाइऑक्साइड हैज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। अब मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे इसके प्रोडक्ट्स नहीं पता थे, मुझे लिटरली इसके प्रोडक्ट्स नहीं पता थे, ये अभी मैंने आपके सामने ये सारा एनालिसिस किया है और मैंने खुद सोचा है कि SO2 और HNO2 मिलके बनाना क्या चाहिए इनको, एंड अब जब मैं मैच कर रहा हूँ आपके बुक के रिएक्शंस के साथ, तो मुझे एग्जैक्टली नजर आ रहा है कि एग्जैक्टली आपके पास यही वाले प्रोडक्ट्स बने हैं, ठीक है, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल बनेगा, दो NO बनेंगे और आपके पास दो HNO2 और एक SO2 का रिएक्शन होगा आपस में, ठीक है। सो यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस टूल इज, आप रेडॉक्स के मेथड से बहुत इजीली कर सकते हो। तीसरा जो आज हमने देखना है दैट इज स्टेनस क्लोराइड का SnCl2 का रिएक्शन विद H
NO2 के साथ. अगेन मुझे नहीं पता कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनने हैं, इसको भी हम उसी तरीके से समझते हैं. एक तो आपको पता है कि ऊपर वाला तो अब आपको फिंगर टिप्स पे आ गया होगा कि नाइट्राइट प्लस 3 से नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होगा जिसमें प्लस 2 चार्ज होता है. तो डेफिनेटली दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन, चार्ज कम हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होके हो रहा होगा. ठीक है, मजीद में साथ बल्कि अभी और चीज़ें नहीं लिखता, पहले इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर लें फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. अच्छा, दूसरी तरफ ये हो रहा है आपके पास कि SnCl2 जो है वो एक पूरा कंपाउंड है, वो चेंज हो रहा है किसके अंदर, Sn+2 के अंदर ये चेंज हो जाएगा एंड साथ में Cl-2 के अंदर ये चेंज हो जाएगा. सॉरी, Cl-2 नहीं होता, Cl-1 होता. Cl-1 के अंदर ये दो मॉलिक्यूल्स इसके प्रोड्यूस होंगे. अच्छा, यहां तक तो कहानी बहुत सिंपल है. यहां से आगे आपने अभी थोड़ा गौर से सुनना है जो मैं भी आपको बात समझाने लगा. देखो, ये जो ऊपर आपने लिखा था ये रिडक्शन रिएक्शन था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन था, ये ऊपर वाला जिसमें NO2 नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हुआ था, दिस वाज योर रिडक्शन रिएक्शन ना, क्योंकि आप ये पढ़ रहे हो कि नाइट्रस एसिड किस तरीके से ऑक्सीडाइज करता है. तो जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद तो डेफिनेटली इसने रिड्यूस ही होना है ना, तो HNO2 खुद जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. अब आपके पास दो चीजें हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, या तो Sn+2 या Cl-1. अब आपको यह देखना पड़ेगा कि Sn+2 अगर आप ऑक्सीडाइज कर, रिडक्शन तो आपको पता है कैसी की होनी है, रिडक्शन तो ये ही होगा. अलबत्ता Sn और Cl2 के अंदर दो अलग अलग चीजें हैं, एक Sn और एक Cl2, इन दोनों में से कौन सी चीज ऑक्सीडाइज होगी ये आपको नहीं पता. अगर तो आप Sn2 को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपके पास Stannous+2 से स्टेनिक में चेंज हो जाएगा. ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिलीज हो जाएंगे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रिलीज हो जाएंगे, या आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा. एक और पॉसिबिलिटी ये है कि स्टेनस वही रहे, स्टेनस पे कोई फर्क ना पड़े, अलबत्ता क्लोरीन जो है उसका एक चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाए, Cl0 बन जाए और साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो और इस तरह के दो रिएक्शन होके दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दें और Cl2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाए. तो बेसिकली देर आर टू पॉसिबिलिटीज, आपके पास दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं. ठीक है, एक वो जिनके अंदर स्टेनस स्टेनिक के अंदर चेंज हो, और एक वो जिसमें क्लोराइड जो है वो क्लोरीन गैस के अंदर चेंज हो. और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हर एंटिटी का केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेनस का जो पोटेंशियल है स्टेनिक में चेंज होने का वो ज्यादा है क्लोराइड के क्लोरीन गैस में चेंज होने की निस्बत. सो होगा ये कि बजाय इसके कि ये नीचे वाला रिएक्शन हो, ऊपर वाला रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा ऑक्सीडेशन के लिए. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि स्टेनस हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा. सो वो प्रिफर करेगा कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए. अब आप देखो, नीचे दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऊपर आपको दो से हर चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर बैलेंस करने पड़ेंगे वाटर, यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे ऑक्सीजन की वजह से, और यहाँ पे दो H+ आ जाएंगे, चार H+ क्योंकि उधर आपने दो वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले. अब काम बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंपली वी नीड टू ऐड देम टुगेदर, इन दोनों को काट दो और आपके पास लेफ्ट साइड पे एक SnCl2 पड़ा हुआ है. ठीक है, और राइट साइड पे भी आपके पास एक Sn+2 एंड 2Cl-1, ये भी SnCl2 ही है. सो मैं ऐसा करता हूँ कि दरमियान वाले को बीच में से निकाल देता हूँ रिएक्शन को, क्योंकि ओवरऑल ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं है, ये जो दरमियान वाला है ये मैंने वैसे ही लिखा था आपको समझाने के लिए. एक्चुअली ये रिएक्शंस हैं आपके पास, इन दो को आपने ऐड करना. अच्छा, आप इनको अब ऐड करो. लेफ्ट साइड पे आपके पास चार H+ और दो NO2, इनमें से चार में से दो H+ तो दो NO2 के साथ मिलके दो HNO2 बनाएंगे, दो नाइट्रस एसिड के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और चार H+ और एक Sn+2 आपका इस साइड पे अभी भी बाकी है. राइट साइड पे अगर आप देखो, आपके पास क्या चीज है, एक NO है जो किसी चीज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वो तो एज इट इज आ जाएगा, दो NO के मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसके अलावा दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी किसी चीज से बैलेंस नहीं हो रहे, वो भी एज इट इज आ जाएंगे. इसके अलावा राइट साइड पे आपके पास SN4 का एक मॉलिक्यूल अभी भी बाकी पड़ा हुआ है. अच्छा, आपको अभी दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन्स डालने पड़ेंगे. ठीक है, रिएक्शंस को सिंप्लीफाई थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, या इन अदर वर्ड्स में अगर बोलूं, वही जो आपके पास पहले लिखा हुआ था वो आप दोबारा लिख दो, उसको लिखने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि SN+2
सॉरी यहाँ पे आपके पास एस एन सी एल टू एज इट इज है, एस एन सी एल टू एंड इट इज चेंजिंग इन टू एस एन प्लस टू एंड सी एल माइनस वन दो दफ़ा, ठीक है। अब आप यही करो कि यहाँ पे आप एस एन सी एल टू लिखो एक दफ़ा, ये जो इस साइड वाला है ये तो एज इट इज़ आपने लिख दिया। राइट साइड के आप एक एस एन प्लस टू है, एक लेफ्ट साइड पे एस एन प्लस टू है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अब एस एन प्लस फोर के साथ दो सी एल माइनस वन अभी आपके पास बाकी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे एक प्रोडक्ट बन जाएगा एस एन, राइट साइड पे आपको दो क्लोरीन्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे किसी और तरीके से, किसी और मेथड के साथ, और लेफ्ट साइड पे भी आपको उसके लिए दो क्लोरीन्स एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे ताकि राइट साइड पे एस एन प्लस फोर एंड सी एल माइनस वन मिलकर एस एन सी एल फोर बना सकें, ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या बच चुका हुआ है, दो हाइड्रोजन और दो सी एल यानी दो एच सी एल। हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज, यानी आपको खुद ही पता चल गया कि लेफ्ट साइड पे दो एच सी एल एक्स्ट्रा होने चाहिए तब ये रिएक्शन होगा, और राइट साइड पे आपके पास दो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स और एक एस एन सी एल फोर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। ये मैंने क्यों चीजें ऐड की और सब्ट्रैक्ट की थी यहां पे, कि जो सी एल आपके पास एक्स्ट्रा राइट साइड पे एस एन प्लस फोर था, यानी इसके साथ अगर क्लोरीन आप अटैच भी करो तो चार चाहिए आपको, तो दो तो ऑलरेडी थे, दो मैंने मजीद डाल दिए थे, तो दो जब इधर डाले हैं तो फिर इधर भी आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। और इधर आपके पास दो हाइड्रोजन पहले से एम्प्टी पड़े हुए थे तो वो दो एच सी एल इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ एच एन ओ टू या नाइट्रस एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ आप रिएक्शन करो तो हाइड्रोजन आयोडाइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू आयोडीन गैस। इसके अलावा हमने देखा कि अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो, सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसओ थ्री गैस विच फर्दर रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। एंड तीसरा हमने पढ़ा कि अगर स्टेनस क्लोराइड को आप ऑक्सीडाइज करो तो इट गेट्स चेंज इनटू स्टेनिक क्लोराइड। दिस इज इट अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर नाइट्रस एसिड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा होता है और खुद ऑक्सीडाइज